फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली ऑनलाइन प्रीमियम कोचिंग फॉर SSC एंड बैंकिंग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वोकैब कोर्स को लॉन्च किया था जो कि हाईली सक्सेसफुल रहा था, नियर बाय 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे ही अब टाइम आ गया है ऑनलाइन प्रीमियम कोचिंग का SSC और बैंकिंग का। तो बैंकिंग और SSC के बच्चे अभी इसका फ़ायदा उठाइए इस ऑनलाइन कोचिंग का। और फ्रेंड्स, अभी चल रहा है प्री लॉन्चिंग ऑफर, यानी कि 1,000 जो अर्ली स्टूडेंट होंगे उनको 30% ऑफ मिल रहा है PRE30 कूपन कोड यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बच्चे इसमें एनरोल हो रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए और अभी 30% ऑफ का फायदा उठाइए जो कि है प्री लॉन्चिंग ऑफर। और फ्रेंड्स, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप डेमो वीडियो सिलेबस की और डिटेल्स के लिए आप SSC के लिए wifistudy.com/SSC कर पे जा सकते हैं, और बैंकिंग वाले बच्चे wifistudy.com बैंकिंग पे जा सकते हैं और वहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर आपको वो कॉल करना है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7023336 75 के ऊपर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से जो कि स्कर्ज। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, अ कॉज ऑफ वाइड और ग्रेट अफ्लिक्शन। तो जो मुसीबत का कारण होता है, मुसीबत पैदा करती है कोई चीज, कोई विपत्ति लाती है, उसको अपन बोलते हैं स्कर्ज। सिनोनिम देखिए, अफ्लिक्शन, बैन या फिर इविल, और एंटोनिम्स है एडवांटेज, बेनिफिट, ब्लेसिंग या फिर बून। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है, बेनिफिशियल, बेन और बून। इसमें बच्चे काफी बार कंफ्यूज होते हैं, ये एक नेगेटिव वर्ड है और बून एक पॉजिटिव वर्ड है, आशीर्वाद देना। ओके, ये तो है आशीर्वाद देना और ये है किसी के बारे में गलत बोलना। ओके, बेन। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। फ्रॉम एड्स टू कैंसर टू अल्जाइमर, मेडिकल रिसर्च इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ क्योर फॉर द लेटेस्ट स्कर्ज ऑन ह्यूमन हेल्थ। यानी कि एड्स से लेकर कैंसर से लेकर अल्जाइमर तक मेडिकल रिसर्च हमेशा कोशिश करती रहती है सॉल्यूशन का, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो लेटेस्ट विपत्ति आ रही है या आई हुई है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो यानी कि स्कर्ज का मतलब हुआ मुसीबत। वर्ब फॉर्म देखिए, स्कर्ज, स्कर्ज्ड एंड स्कर्ज। अब रिलेटेड वर्ड देखिए, स्कर्ज यानी कि बिकॉज ग्रेट सफरिंग टू। अब देखते हैं इसके ट्रिक, यहां सर्च करना भी स्कर्ज है। तो देखिए, यहां सर्च करने का मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ना, तो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो इसकी स्केलिंग करना फ्रेंड्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काफ़ी लोग ट्राई करते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। और एक कंडीशन आती है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे सर्च करके आपने मुसीबत मोल ले ली है, यानी कि यहाँ पे सर्च करना भी स्कर्ज है, यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना या फिर अपने पास में लेना है, विपत्ति का सामना करना है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पे जाना मजाक बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सर्च करना भी स्कर्ज है, यानी कि मुसीबत है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डेनाउंस, पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और इविल, टू प्रोनाउंस स्पेशली पब्लिकली टू बी ब्लेमवर्थी और इविल। तो किसी पे आरोप लगाना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा बोलने को बोलते हैं डेनाउंस करना। सिनोनिम देखिए, एनाथेमाटाइज, सेंश्योर, डैम, डिक्राय, कंडम, एक्सेक्रेट या फिर रिप्रीहेंड। और एंटोनिम से यूलोजाइज, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, लाउड या फिर प्रेज। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। व्हेन द फ्लाइट अटेंडेंट लर्न अबाउट देयर प्रपोज्ड पे कट, दे डिसाइडेड टू डिनाउंस द एयरलाइंस एट ए न्यूज कॉन्फ्रेंस। यानी कि जब फ्लाइट अटेंडेंट्स को पता लगा कि उनकी जो सैलरी उसमें कट कर दिया गया है, तो उन्होंने निंदा करी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एयरलाइंस की। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, डिनाउंस, डिनाउंस्ड एंड डिनाउंस्ड। और उसके रिलेटेड वर्ड क्या है, डिनाउंसमेंट, यानी कि पब्लिक एक्ट ऑफ डिनाउंसिंग। अब देखते हैं इसके ट्रिक, अनाउंस करके डिनाउंस किया। तो देखिए कितना आसान है इसको याद करना, इस वर्ड को याद करना, अनाउंस करते हैं पहले, उसके बाद डिनाउंस करते हैं। पहले अनाउंस करते हैं कि हम किसी के बारे में, कई लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे अनाउंस करके, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कंडम करते हैं, किसी भी चीज़ की बुराई करते हैं। चाहे वो सही हो गलत हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अपन ये बात कर रहे हैं कि वो लोग इसकी किसी भी चीज़ की बुराई करते हैं। तो पहले अनाउंस करेंगे फिर डिनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से अपन अनाउंस और डिनाउंस, देखिए दोनों ही सिमिलर वर्ड है और एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इन सिनोनिम एंटोनिम की बात की जाए, तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और साथ में दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिक्राय ध्यान रखना है, क्राय से आप लगा सकते हैं,
ओके नेगेटिव वर्ड है, आरोप लगाते हैं, रिप्रीहेंड, ओके साथ में एग्जॉल्ट, ये सभी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लंडर, डिस्ट्रॉय एंड स्ट्रिप ऑफ इज पोजेशन द वायलेंट एंड डिसऑनेस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी को डिसऑनेस्टली वायलेंटली किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेना, लूट मार कर लेना, चोरी कर लेना, इन सभी को अपन बोलते हैं प्लंडर करना। सिनोनिम देखिए लूट, पिलेज, मैरॉन या फिर रैनसैक। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट राइट्स एंग्री सिटीजन बिगेन टू प्लंडर गुड्स फ्रॉम क्लोज्ड स्टोर्स। यानी कि जब राइट्स, जब दंगे हो रहे थे तो एंग्री सिटीजन क्या कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे जो क्लोज स्टोर्स के अंदर थे। ओके अब इसकी वर्ब फॉर्म देखते हैं, प्लंडर, प्लंडर्ड एंड प्लंडर्ड। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, प्लंडर उसका मतलब है टू टेक फोर्सफुली यूजुअली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ डिसऑर्डर। और इसका ओरिजिन कहाँ से है फ्रेंड्स, जर्मन वर्ड होता है प्लंडर, वहां से इसका ओरिजिन है, जिसका मतलब होता है रॉब ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि चोरी कर लेना हाउस होल्ड गुड्स का। अब देखते हैं इसको याद करने का तरीका, देखिए चोर खिड़की से अंदर आके प्लंडर करते हैं, अंदर प्लंडर, देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके अंदर आके क्या करते हैं, प्लंडर करते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा चोर ऐसे आते हैं, चोर खिड़की से अंदर आते हैं और क्या करते हैं, प्लंडर करते हैं, प्लंडर करते हैं यानी कि चोरी करते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओके अगर आपके घर पड़ोस में आसपास में कहीं पे भी चोरी हुई है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि चोर खिड़की से अंदर आके प्लंडर कर गया, यानी कि चोरी कर गया। अगर आपने यूज कर लिया तो आप कभी इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे वीडियोज प्रोवाइड कर सकें आपके प्रिपरेशन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का, डेनिग्रेड, टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ, टू डिनाय द इंपॉर्टेंस और वैलिडिटी ऑफ। तो किसी को नीचा दिखाना, अवमानना करना, किसी को छोटा दिखाना, उसको अपन बोलते हैं डेनिग्रेट करना। सिनोनिम देखिए, डिस्पेरेज, बिलिटिल, डेरोगेट या फिर विलिपेंड। ओके और एंटोनिम्स है अक्लेम, अप्लॉड, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, लॉड, मैग्निफाई या फिर प्रेज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए सिर्फ ये एक वर्ड ही इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर के प्रोस्पेक्टिव से, बाकी सभी बहुत आसान वर्ड है। देखते हैं एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द इलेक्शन द क्रूक पॉलिटिशियन डिड एवरीथिंग इन हिज पावर टू डेनिग्रेट हिज राइवल। यानी इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिशियन था उसने सारी पावर लगा दी नीचा दिखाने के लिए अपने राइवल को, जो कि वर्ब फॉर्म देखते हैं आप, डेनिग्रेट, डेनिग्रेटेड एंड डेनिग्रेटेड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, डेनिग्रेशन यानी कि मानहानि करना, और लैटिन वर्ड होता है डेनिग्रेट, वहां से इसका मीनिंग आया है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। मूवी में डैनी ने अमिताभ को डेनिग्रेट किया था, डैनी ने अमिताभ को क्या किया था, डेनिग्रेट किया था। तो ये अग्निपथ मूवी है, इसमें आपने देखा होगा कि डैनी डोंगजंपा थे, ओके उन्होंने डैनी क्या करते हैं शुरू में, अभी तो आपको डेनिग्रेट करते हैं यानी कि इनको नीचा दिखाते हैं। ओके तो इस तरीके से इस मूवी से ही अपन इसको याद कर सकते हैं, डैनी से अपन इसको डेनिग्रेट को याद कर सकते हैं कि मूवी में डैनी ने अभी तो आपको डेनिग्रेट किया था यानी कि नीचा दिखाया था। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, इस पर प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करने को अपन बोलते हैं इस पर करना। सिनोनिम स्टिमुलेट, एंकरेज, इंड्यूस या फिर प्रॉड। और एंटोनिम डिटर, हिंडर, प्रिवेंट या फिर डिस्करेज। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द बिल्डिंग ऑफ द कार प्लांट शुड स्पर ग्रोथ इन आर स्मॉल टाउन। यानी कि जो बिल्डिंग, जो कार प्लांट बन रहा है उससे क्या होगा, हमारे टाउन में, स्मॉल टाउन में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, प्रमोट होगा डेवलपमेंट। अब देखते हैं वर्ब फॉर्म, स्पर, स्पर्ड एंड स्पर्ड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, स्पर है यानी कि आई थिंक दैट प्रॉम्प्ट्स और एंकरेज समवन एंड इंसेंटिव। अब देखिए याद करने का तरीका, पर लगा के दिखाते हैं ह्यूमन स्पर, देखिए पर लगा के। ओके अभी देखा होगा आपने फ्लाइंग इंजन्स यूज हो रहे हैं कई जगह पे फ्लाइंग इंजन्स यूज हो रहे हैं, और इससे ह्यूमन अपना डेवलपमेंट बता रहे हैं कि हम कितने डेवलप्ड हो गए हैं, कितनी हमने प्रमोट कर ली है अपनी डेवलपमेंट। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं, पर मतलब क्या होता है, विंग्स। ओके तो क्या बोल रहे हैं अपन, पर लगा के दिखाते हैं कौन, ह्यूमन स्पर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाते हैं अपना पर लगा के। तो पर और स्पर देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं, इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, पॉल्ट्री, ये एक एडजेक्टिव और उसका मतलब है कोई भी चीज जो कि स्मॉल अमाउंट में हो, मीगर हो, वेरी स्मॉल और मीगर। ओके तो इसका जो पहले तो आपको प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, पॉल्ट्री इसका प्रोनाउंसिएशन है, पॉल्ट्री नहीं है। सिनोनिम देखिए, स्मॉल, मीगर, ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, इनएडिक्वेट, इनसिग्निफिकेंट या फिर स्कैंट। ओके तो यहाँ पे सारे ही बहुत इजी वर्ड है, और मिगर तो आपको ध्यान रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिगर और स्कैंट। नाउ देखते हैं इसके एंटोनिम्स, बिग, लार्ज, प्लेंटी या फिर सिग्निफिकेंट। आप देखते हैं इसका एग्जांपल, सडनली लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स यूजुअली रिसीव पॉल्ट्री सैलरीज इन एक्सचेंज फॉर रिस्किंग देयर लाइव्स। यानी कि जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनको बहुत ही छोटी सैलरी मिलती है कंपेयर टू जो वो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ को लेकर।
अब देखते हैं इसके ट्रिक। इस पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री चिकन है, तो देखिए पोल्ट्री को अपन पोल्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, जो कि कितने आसानी से दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। पोल्ट्री फार्म को क्या, इस पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री फार्म कहाँ है, जहाँ पे चिकन ये सब रखे हुए हैं, हैंड चिकन ये सब रखे हुए हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म के पोल्ट्री चिकन है, यानी कि बहुत ही छोटे चिकन है, ओके स्मॉल साइज के चिकन है। तो पोल्ट्री को अपन पोल्ट्री से रिलेट कर रहे हैं और उसका मीनिंग पता कर रहे हैं। दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, इजीली अपन इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि पोल्ट्री फार्म के पोल्ट्री चिकन है, यानी कि बहुत छोटे चिकन है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एस्टाउंडिंगली। ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब है यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज एट अ सिचुएशन और इवेंट। तो किसी भी इवेंट में, सिचुएशन में सरप्राइज हो जाना, दिखाना, अचरज से देखना, उसको अपन बोलते हैं एस्टाउंडिंगली। सिनोनिम देखिए सरप्राइजिंगली, इंप्रेसिवली, नोटेबली या फिर स्टनिंगली, और एंटोनिम्स है अनसरप्राइजिंगली, नॉर्मली या फिर अनरिमार्केबल। तो यहाँ पे सभी आसान वर्ड है, देखते हैं एग्जाम्पल। बिकॉज द कार इज सो एक्सपेंसिव इट्स प्राइस टैग विल अस्टाउंड मोस्ट पीपल, यानी कि जो कार है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये इसकी जो प्राइस है ये सभी को चौंका देगी। वर्ब देखिए अस्टाउंड, अस्टाउंडेड और अस्टाउंडेड, और रिलेटेड वर्ड अस्टाउंड यानी कि शॉक और ग्रेटली सरप्राइज। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, ऐसा टाउन देख के अस्टाउंड हो गया। तो देखिए कितनी आसान है, ओके ये ऐसा टाउन देख के, ये कहाँ का, नीदरलैंड का एक टाउन है, ओके प्राग के पास में। तो आपने क्या हो गए, ऐसा टाउन अगर आप देख लोगे तो कैसे हो जाओगे, अस्टाउंड हो जाओगे, ओके बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे, बहुत ही अचरज में चले जाओगे। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं, टाउन को अस्टाउंड से रिलेट करिए। कोई भी अगर आप ऐसी सरप्राइज वाली चीज देख रहे हैं तो हमेशा अस्टाउंड यूज वर्ड यूज करिए, आप कभी भी इस वर्ड को नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टामेंट, समथिंग दैट सर्व एज अ साइन और एविडेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फैक्ट, इवेंट और क्वालिटी। तो कोई भी चीज जो कि साइन के तौर पर काम में ली जाती है किसी भी फैक्ट के, इवेंट के, क्वालिटी के, उसको अपन बोलते हैं टेस्टामेंट। सिनोनिम टेस्टिमोनी, विटनेस, एविडेंस या फिर प्रूफ, और एंटोनिम डिसप्रूव। देखते हैं एग्जाम्पल, द सक्सेस ऑफ द एम्बलम विच इज ओनली अवेलेबल ऑनलाइन इज अ टेस्टामेंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द सिंगर, यानी कि जो एल्बम की जो सक्सेस हुआ है, एल्बम जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, वही एक साइन दिखाता है पॉपुलैरिटी सिंगर का। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखिए ये इस टेस्ट का टेस्टामेंट है, तो ये इस टेस्ट का टेस्टामेंट है, ओके ये कौन सा टेस्ट है, IIT का टेस्ट है। अगर आप ये पिक डाल देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों के जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखते ही समझ जाते हैं कि ये IIT का साइन है। तो ये जो टेस्ट है, ये जो साइन है, टेस्टामेंट है, ये किस टेस्ट का है, IIT के टेस्ट का है। तो ये इस एग्जाम टेस्ट का टेस्टामेंट है। तो देखिए टेस्ट और टेस्ट, इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि कोई भी साइन जो किसी एग्जाम टेस्ट का हो तो अपन क्या बोलेंगे कि ये इस एग्जाम टेस्ट का टेस्टामेंट है, यानी कि इसका साइन है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, फोली। लैक ऑफ गुड सेंस और नॉर्मल प्रूडेंस एंड फोरसाइट। तो मूर्खता दिखाने को अपन बोलते हैं फोली। तो देखते हैं सिनोनिम्स क्या है इसके, फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, इडियोसी, इम्बेसिलिटी, सिलीनेस, इनैनिटी या फिर लूनेसी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनैनिटी, साथ में लूनेसी, ओके और साथ में ये वर्ड इडियोसी। तो ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, तीनों का मतलब क्या है, फुलिशनेस। एंटोनिम देखते हैं प्रूडेंस, सगाशियसनेस, सैपियंस, सेंसिबलनेस या फिर विजडम। ओके तो यहाँ पे सगाशियस ध्यान रखना है आपको, ओके जो इंटेलिजेंट होता है, ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है, जिसमें सही दिमाग होता है उसको बोलते हैं सगाशियस। देखते हैं एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली द मैंस एक्ट ऑफ फोली इन द कैसिनो कॉज्ड हिम टू लॉस एवरीथिंग ही ओन्ड, यानी कि जो एक आदमी ने अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक आदमी का जो फुलिश एक्ट था, मूर्खता भरा एक्ट था, कैसिनो के अंदर सब कुछ दाव पे लगाने देगा, तो वो हार गया जो उसने ओन किया था। ओरिजिन देखिए फ्रेंच वर्ड होता है फोल, जिससे आता है फुलिश या फिर फुलिश, फूल या फिर फुलिश, तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसके ट्रिक, फूल होते हैं फोली लोग। तो देखिए फूल और फोली कितने सिमिलर वर्ड्स हैं, ओके फूल होते हैं फोली लोग, ये देखिए, ओके तो फूल होते हैं फोली लोग, तो फोली का मतलब क्या हुआ, मूर्ख लोग, और फूल का मतलब भी मूर्ख होता है। तो इस तरीके से फूल और फोली को रिलेट करके अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं आज का लास्ट वर्ड क्या है, ट्रांजिएंट, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि टेम्प्रेरी हो, ट्रांजिटरी हो, शॉर्ट लिव्ड हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, एफेमेरल हो या फिर इम्परमानेंट हो। और एंटोनिम देखते हैं एंड्यूरिंग, इटर्नल, एवरलास्टिंग, लास्टिंग, लॉन्ग लाइव, लिव्ड, परमानेंट या फिर परपेचुअल। ओके ये सभी इसके एंटोनिम सिनोनिम है, जहाँ की आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके इफेमेरल यानी कि कोई भी चीज़ जो कि टेम्परेरी हो, और इटर्नल जो एवरलास्टिंग हो। देखते हैं एग्जाम्पल, द स्नो इज ट्रांजिएंट एंड विल मेल्ट एज सून एज द सन अपीयर, यानी कि जो स्नो है ये बहुत ही अस्थायी है और ये पिघल जाएगी जैसे ही सन बाहर आएगा। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड होता है ट्रांजिएंट यानी कि गोइंग अक्रॉस, ओके
वहाँ से इसका ओरिजिन है। और इसकी ट्रिक देखिए, ये ट्रैम ट्रांजिएंट चलती है, तो ये ट्रैम देखिए, ये ट्रैम है और ये कैसी चलती है, ट्रांजिएंट चलती है। ट्रैम और ट्रांजिएंट देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं, तो ये ट्रैम ट्रांजिएंट चलती है यानी कि कभी कभार चलती है। तो कोई भी काम जो कि कभी कभार हो रहा है उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिएंट। ओके, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस अपन इनको सभी को रिवाइज करते हैं और देखते हैं इन सभी का मीनिंग क्या है, वापस अपन ने किस तरीके से इसको याद किया है। आप अगर इसको यूज़ करेंगे इन सभी वर्ड्स को डेली लाइफ में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहला वर्ड देखते हैं, स्कर्ज। ये सर्च करना भी स्कर्ज है यानी कि मुसीबत। डी अनाउंस, अनाउंस करके डी अनाउंस किया यानी कि आरोप लगाया। प्लंडर, चोर खिड़की से अंदर आके प्लंडर करते हैं यानी कि लूट करते हैं। डेनिग्रेट, मूवी में डैनी अमिताभ को डेनिग्रेट करता है यानी कि नीचा दिखाता है। पर लगा के दिखाते हैं ह्यूमन स्पर यानी कि डेवलपमेंट। पोल्ट्री, इस पोल्ट्री फार्म के पोल्ट्री चिकन है यानी कि इस पोल्ट्री फार्म के बहुत ही छोटे चिकन है। एस्टाउंडिंगली, ऐसा टाउन देख के अस्टाउंड हो गया यानी कि सरप्राइज हो गया। टेस्टामेंट, ये इस एग्जाम का टेस्टामेंट है यानी कि साइन है। फोली, फूल होते हैं फोली लोग यानी कि मूर्ख लोग। ट्रांजिएंट, ये ट्राम ट्रांजिएंट चलती है यानी कि कभी कभार चलती है। अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने आपसे सिनोनिम पूछा था मिथर का। ओके, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी किसी को परेशान करना, अननेसेसरीली उसको इरिटेट करना, उसको बॉदर करवाना, उसको अपन बोलते हैं मिथर। ओके, और यहाँ पे जो सही आंसर लोगों ने दिया है वो डी दिया है और डी ही आपका सही आंसर है। ओके, रेक्टिफाई करना, वैनरेट। वैनरेट का मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को। इसका मतलब होता है कि जो अगर किसी को रेस्पेक्ट करते हैं आप, आदर देते हैं उसको, उसको अपन बोलते हैं वैनरेशन। ओके, तो आप इस बाकी जो रेक्टिफाई और असेंबल बहुत ही आसान वर्ड है। आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वर्ड आज का क्या है। आज का भी एक सिनोनिम है फ्रेंड्स जो कि है एग्जिग्यूएस। एग्जिग्यूएस आपके सामने एक वर्ड है, EXIGUOUS, एग्जिग्यूएस। और आपके सामने चार ऑप्शन है, टाइनी, विवाशियस, लार्ज या फिर पुग्नेशियस। तो आपके सामने चार ऑप्शन है एंड फ्रेंड्स यू नीड टू गिव द आंसर वाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। फ्रेंड्स डजेंट मैटर यू आर गिविंग राइट और रॉन्ग, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द आंसर। सो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।